वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में आज ना न्यू ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहे हैं, जो BCS 042 है, डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड एनालिसिस। सो बेसिकली इसमें ना आप अगर थर्ड सेमेस्टर में डीपली पढ़े होंगे आपका डेटा स्ट्रक्चर, तो वो ये इससे बहुत ही मैचेबल है। लाइक उसमें भी आपने शॉर्टिंग पढ़ा था, शॉर्टिंग, मर्ज शॉर्टिंग, हिप शॉर्टिंग, है ना, जितने भी शॉर्टिंग्स थे वो सारे आप लोगों ने पढ़े थे। लाइक इसमें भी वही पढ़ना है। एग्जम्पशंस पढ़े थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़े थे, है ना। थोड़े से कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, अदरवाइज सब सारे टॉपिक सेम ही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ द एजेंडा, है ना। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि आपके बुक में, आपके इग्नू के बुक में कितने ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो आपके जो BCS 042 है उसके दो ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक में तीन तीन चैप्टर हैं, लाइक थ्री यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको बेसिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर में एग्जम्पटिक कंपाउंड्स पढ़ना है, थर्ड में एनालिसिस ऑफ सिंपल एल्गोरिदम्स पढ़ना है, ठीक है। तो अब क्या है, सेकेंड ब्लॉक है आपका, सेकेंड ब्लॉक में आपका फर्स्ट यूनिट में है ग्रीडी टेक्निक, सेकेंड में है डिवाइड एंड कन्योर अप्रोच एंड ग्राफ एल्गोरिदम। ये तीन छः चैप्टर हैं आपको पढ़ने हैं। तो मैंने सोचा कि जैसे मैंने BCS 041 जो आपका था नेटवर्किंग वाला, कंप्यूटर नेटवर्किंग फंडामेंटल्स वाला, वो मैंने जैसे कंप्लीट करवाया, वैसे मैं ये कंप्लीट करवाऊँ, उसके बाद मैं जावा शुरू करूँगी, ठीक है। और आप लोग के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप स्टैटिक भी शुरू कर दो BCS 40, तो उसके भी रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, इसी या नेक्स्ट वीक से शुरू करूँगी, ठीक है। सो इस वीडियो में आज देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फर्स्टली आप लोग को इम्पॉर्टेंट जानना ज़रूरी है कि एल्गोरिदम है क्या, उसके फंडामेंटल टेक्निक्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, लाइक डिवाइड एंड कन्योर, है ना, टॉप डाउन अप्रोच, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, बाइनरी सर्च, ग्रेडी टेक्निक्स। ग्रेडी टेक्निक में क्या होता है ना कि क्रिस्कल्स और प्रिज्म आप लोगों ने पढ़ा था, डिसगेस्ट्रा भी पढ़ा था, तो कुछ इसी तरीके से इसमें है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लाइक बॉटम और बैक ट्रैकिंग का जो अप्रोच है वो पढ़ना है, एनालिसिस करना है एल्गोरिदम को, जो बिग ओ है, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, और बिग ओ के साथ साथ आपको स्मॉल ओ भी पढ़ना है, स्मॉल ओमेगा भी पढ़ना है, ठीक है। तो फिर है इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, तीनों केस को डीपली टाइम और स्पेस में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लीनियर सर्च एल्गोरिदम एनालिसिस, उसमें भी आपको सॉर्टिंग करने को मिलता है, लाइक क्विक सॉर्ट, डिवाइड कॉर्न, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, डिवाइड इनटू स्मॉल प्रॉब्लम एंड डिवाइड इनटू बिग प्रॉब्लम, कंबाइंड सॉल्यूशन होना चाहिए दोनों स्मॉल प्रॉब्लम का। उसके बाद एग्जम्पटिक एनालिसिस है, एनालाइज एल्गोरिथम का कंट्रोल स्ट्रक्चर है, रिकर्शन है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक होंगे, इसी से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, एंड जो भी होगा बहुत इजी वे में पढ़ाया जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, जैसे वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और मैं वीडियो को सीरियसली लेके आप लोग को टीच करूँगा। वैसे मैं सीरियसली आप लोग को बताती हूँ, टॉट करती हूँ, बट एक होता है ना कि एक फीलिंग से करना, वो फीलिंग्स मैं आपको से पढ़ाऊँगी तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें लोअर बाउंड का सॉर्टिंग, लीनियर टाइम या लीनियर टाइम, काउंटिंग शॉर्ट, बकेट शॉर्ट, रेडिक शॉर्ट, हैशिंग में आपका हैश टेबल, हैशिंग मेथड, ओपन एडजेसिंग टेक्निक, हैश फंक्शन, बाइनरी सर्च ट्री, सब ये सब आपको पढ़ना है। तो मैंने जो है आप लोग का टॉपिक रेडी कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो यानी कल के वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, यूनिट वन से। और ये जो आपका इग्नू से रिलेटेड ही नहीं है, आप लोग जितने भी आईटी सेक्टर के बच्चे हैं, सीएस सेक्टर के बच्चे हैं, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट, जितने भी इंजीनियरिंग आईटी लेवल के बच्चे हैं उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि DAA इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक
ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स, सो आप सबके लिए ये हेल्पफुल होगी। एंड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें से बहुत 80% जो टॉपिक है वो थर्ड सेमेस्टर से ही लिए गए हैं, तो आप इस सबको मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं कि एल्गोरिथम है क्या, उससे थोड़ा लड़ेंगे झगड़ेंगे कि है क्या, है ना। सो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करना, जो भी टॉपिक मैंने यहाँ छोड़ा है वो। वैसे मैंने ये पूरा टॉपिक कवर नहीं किया है, बट आई थिंक कि अभी इतना काफ़ी है, आगे जब ये इतने टॉपिक कंप्लीट होंगे तो मैं आपको और टॉपिक क्लियर करूँगी, ठीक है। सो आपको आपको बताना है कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए ज़्यादा मेहनत करके आप लोग को कवर करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कोरोना बढ़ रहा है तो अपने आप को सेफ करिए, घर में रहिए, ऑनलाइन लर्न कर लिए।